हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यूजीसी का एक बहुत ही नया इनिशिएटिव है। जो लोग भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं और उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आपने नेट नहीं क्वालिफाई है, आपका पीएचडी क्वालिफाई नहीं, इस वजह से आप प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हर किसी के लिए एक प्रोसेस है कि पहले आपको नेट पास करना है, फिर पीएचडी है, फिर एंट्रेंस देके। तो उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर यूजीसी ने एक नई पहल की है। सारी चीजों को हम यहाँ से विस्तार में जानेंगे, क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में मामी डाला जी का जो ट्वीट है, जो उन्होंने कल किया था कि यूजीसी टू सीक पीपल्स बी वन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नॉर्म। तो यहाँ पर इस जो नाम है इसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक पोर्टल बनाया गया है, जिसको pop.ugcac.in पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, तो यहाँ पर एक्सपर्ट अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप अपना एक्सपर्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी गाइडलाइन को देखते हैं। तो गाइडलाइन क्या है इसके लिए कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में ये कहा गया है 2020 में कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है और इसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को भी लाना पड़ेगा कि जो अपने अपने फील्ड में यहाँ पर एक्सपर्ट है। तो इसके लिए हायर एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, तो कुछ फील्ड इसमें कौन कौन से फील्ड है, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट, कॉमर्स, सोशल साइंस, मीडिया, लिटरेचर, फाइन आर्ट, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्स, लीगल प्रोफेसर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इनमें से अगर किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी, आपको खुद ही से यहाँ पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर, या आप किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, खुद भी अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं इसके बारे में जो सारी जो न्यूज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी यहाँ पर, कैसे क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो फंड वगैरह है, इसके लिए जो पैसे वगैरह हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करेंगे वही देगा। यूजीसी इसके लिए किसी तरह का फंड एक्स्ट्रा नहीं दे रही है, ये सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की खुद की जिम्मेदारी होगी। तो ये हो गया इसका पोर्टल, और इस पोर्टल पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। इसका जो टेन्यूर होगा वो 2 से 3 साल के लिए होगा, पहले 1 साल के लिए होगा, आगे उसी को बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें जो प्रैक्टिस करने, जो इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, उसके लिए जो भी 22 चांसलर है उनके डायरेक्शन में कोई कमेटी वगैरह बनेगी, वही लोग इन लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अब हायर एजुकेशन में जाने का एक, कह सकते हैं, एक और रास्ता ओपन हो गया है। इस रास्ते से बहुत सारे लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो जा सकते हैं। अब इसको लेके देखिएगा इस कितनी सारी न्यूज है। आप देख सकते हैं कि जब आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लिखेंगे ना गूगल पे, तो भी आपको बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। तो एक न्यूज़ को मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ कि अपनी फील्ड में 15 साल दे चुके एक्सपर्ट है ना, जाने जैसे आप सिविल सर्विसेज में आपने 15 साल जॉब कर ली है, आप इंजीनियरिंग में आपने 15 ईयर जॉब कर ली है, तो आप अपने फील्ड में हायर एजुकेशन में आप चाहते हैं कि हम जाएं, तो इसके लिए आपको अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए, और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट जो हैं वो प्रोफेसर ऑफ पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जिनको, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लासरूम को हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, सीए, कॉमर्स, ये मैंने आपको भी बताया था। इसके लिए मामी डाला जी ने कल ट्वीट भी किया था, यूजीसी हैज इनिशिएटिव टू प्रपोज द ब्रिंगिंग द इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट इनटू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थ्रू प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए 40 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए जा चुके हैं, इसके लिए आप अपने आप को बस रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 साल का अनुभव चाहना चाहिए, किसी भी तरह के एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा मापदंड नहीं है कि ये होना ही चाहिए, तो इसलिए कोई पीएचडी या नेट की बात यहाँ नहीं है। बस यहाँ पे फिक्स्ड टर्म के लिए सिलेक्शन होगा, और जो भी प्रोफेसर होंगे या जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा वो कॉलेज की कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो आप अगर टीचर हैं या आप रिटायर्ड टीचर हैं, तो आपको इस पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा, है ना, आप इनमें से किसी और फील्ड से होने चाहिए। इसमें जो वेतन होगा वो आपको तय करना होगा यूनिवर्सिटी के साथ, और इसको जो यूनिवर्सिटी है खुद देगी,
और नॉमिनेशन के द्वारा इनवाइट किया जाएगा या वाइस चांसलर इसको कर सकते हैं। आप अपना एक्सपर्ट का नॉमिनेशन खुद भी भर सकते हैं। इसमें दो सीनियर प्रोफेसर होंगे, एक एक्सटर्नल मेंबर्स होगा और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का टेन्योर पहले एक साल तक होगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाकर दो साल से ज्यादा यानी कि टोटल तीन साल से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी सारी जो न्यूज है वो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इस पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी वजह से प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं और वो किसी दूसरे फील्ड में, सपोज आप बैंक मैनेजर हैं और अब आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा बैंक मैनेजर का काम करके थक चुका हूं, तो तीन साल के लिए आप इसमें आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें वो जानने के लिए मिलेंगी जो अभी तक वो नहीं जान पा रहे थे। तो रियल जो एक्सपीरियंस है, फोकस यही है कि बच्चों को यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस मिल सके। और रियल एक्सपीरियंस को सिर्फ कौन दे सकता है, जो अपने फील्ड में 15 साल 15 इयर्स का काम जिसने कर लिया होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि उस एक्सपर्ट को अपने फील्ड की पूरी नॉलेज होगी। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एकदम से कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी न्यूज मैं आपको देती रहूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।